हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शुभ फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर 2023 और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नए शिक्षा चयन आयोग के बारे में। हाईकोर्ट में जो 5,793 पदों पर जो नई भर्ती आई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, और स्कॉलरशिप में फिर समस्या, क्या समस्या हो गई है वो भी आपको बताने वाला हूँ। यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो फरवरी में आ सकता है, इसके बारे में भी सारी जानकारी देने वाला हूँ। बीएड डीएलएड 2024 का ऑनलाइन फॉर्म किस मंथ में आएगा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ऐसी ही अपडेट पाने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। यहां पे आप लोग देखेंगे आज की अपडेट है नए आयोग को लेकर, कि नए आयोग पर होगा 1,500 से अधिक मुकदमों का बोझ। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधि अधिकारी पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। यहां पे आप लोग देखेंगे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है विधि अधिकारी का भी जो है पद सृजित किया गया है। आयोग के विधि अधिकारी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आयोग का जो गठन है उसके जो है होते ही उस पर 1,500 से अधिक मुकदमों का जो है बोझ भी होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किया जाना है। ऐसे में दोनों भर्ती संस्थानों की चल एवं अचल संपत्तियां भी नए आयोग को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। बीते दिनों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड ने जो है चल एवं अचल संपत्तियों से संबंधित पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। संपत्तियों के साथ ही वे मुकदमे भी नए आयोग को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जो भर्तियों को लेकर दाखिल किए गए हैं और उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इन मुकदमों में जो है पैरवी की जिम्मेदारी नए आयोग पर जो है होगी। यही वजह है कि शिक्षा सेवा आयोग जो है में विधि अधिकारी का पद सृजित किया गया है और इस पद पर जल्द ही नियुक्त होने वाली है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी को लेकर युवा मंच ने राज्यपाल से जो है हस्तक्षेप की अपील की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा है। देखिए, अब थोड़ा सा और लेट हो सकता है इसमें, ठीक है, नए आयोग में को लेकर, क्योंकि इसमें जो है जो एक नया पद है विधि अधिकारी का उसको जो है सृजित किया जाएगा, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मुंबई उच्च न्यायालय में जो है रोजगार के अवसर हैं। यहाँ पे स्टोनोग्राफर हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, चपरासी हो गया आदि पदों पर जो है रिक्तियाँ निकली हैं। टोटल पोस्ट जो हैं वो हैं 5,793 और यहाँ पे आवेदन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म की जो तिथि है वो है 18 दिसंबर 2023। एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 7th मांगा गया है, जैसे चपरासी का है तो 7th मांगा गया है, एंड ग्रेजुएशन है और अन्य निर्धारित पात्रा हैं। तो जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी आप लोग जो है क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट करेंगे, नोटिफिकेशन आप जो है पढ़ के अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद NTPC लिमिटेड में करें आवेदन, टोटल 100 पदों पर जो है वैकेंसी आई है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेतन वगैरह देख सकते हैं, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 3rd जनवरी 2024। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में जो है टोटल 52 पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई है, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद DSSSB के जो है में जो है रोजगार के अवसर हैं, टोटल पोस्ट 863 हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, और अदर पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई है, जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है 20 दिसंबर है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन हर पोस्ट की अलग है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, आप जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म में फिर समस्या। देखिए, स्कॉलरशिप फॉर्म में जो है फिर से एक समस्या आ गई है, कि कल से ना ही जो बच्चे जैसे रेन्यूअल करते हैं, जैसे बच्चे फ्रेश वाले जो हैं इस बार नए वाले लॉगिन करते हैं, तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। देखिए, ये साइट प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें पोस्ट मैट्रिक की, जैसे प्री मैट्रिक की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, 7 दिसंबर थी, उसको 2 जनवरी कर दिया गया है इकट्ठा। अब जैसे पोस्ट मैट्रिक की जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है 31 दिसंबर, और जैसे ऐसे ही इसकी जो है साइट खराब चलती रही तो इसकी भी साइट बढ़ाई जाएगी। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी 20 दिन समय है। अगर 20 दिन में आपका फॉर्म नहीं भर जाता है, साइट में ऐसे ही जो है दिक्कतें आ रही हैं, तो इसकी जो डेट है वो 100% एक्सटेंड की जाएगी। ओके, चलिए, बाकी आप ट्राई करते रहें, अगर फॉर्म फिल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, चलिए, यूपी टेट का विज्ञापन जो है डियर फरवरी में आएगा। नए आयोग का जब तक कार्य नहीं हो जाता है तब तक जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट का जो आपका नोटिफिकेशन है फरवरी में ही देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, बीएड डीएलएड 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब आएगा? देखिए, फरवरी का तो फिक्स है, फरवरी
सॉरी, यहाँ पे जो बीएड है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो फॉर्म है वो फिक्स है फरवरी में, तो फरवरी में इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ जाएगा। बाकी डीएलएड का जो फॉर्म है अप्रैल से मई में आ जाएगा, अप्रैल लास्ट या तो मई के फर्स्ट वीक में इसका जो फॉर्म है आपको देखने को मिल जाएगा। बीएड में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है और डीएलएड में मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है, ओके। बाकी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी को पता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फरवरी लास्ट में ही होगा, ओके। तो इसके अलावा कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या डीएलएड एग्ज़ाम से रिलेटेड या बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।